everyone, I am Rajveer and today's topic is opportunities after M.Tech in non-VLSI branch. तो हर साल जब भी काउंसलिंग शुरू होती है या वो लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनका डाउट ये होता है कि VLSI से M.Tech करना बेटर रहेगा या फिर किसी दूसरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। तो ये डाउट मोस्टली तीन टाइप के लोगों को होता है, एक जिनका ग्रेड स्कोर कम है, दूसरे जिनको VLSI के अलावा किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और तीसरे वो लोग जो दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं बट समहाउ कंफ्यूज हैं और प्लेसमेंट को लेकर सोच रहे हैं कि VLSI में ही जाएं या फिर बाकी में भी प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि लाइक VLSI ही लें या VLSI मतलब दूसरी ब्रांच ही लें। इस वीडियो में उन सारे फैक्टर्स पर बात होगी जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले। अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए सिर्फ VLSI में प्लेसमेंट होता है या बाकी ब्रांचेस में प्लेसमेंट होता है, और अगर ऐसा है तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ जा सकते हैं रेदर देन VLSI के पीछे भागें। तो चलिए देखते हैं वो सारे फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में। वो सारे लोग जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्ट्रीम में M.Tech कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, जिससे कि आप अपने गेट स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन ले सकें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितने टाइप की जॉब्स हैं और वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको पर्टिकुलर साइट में प्लेसमेंट दिलवा सकती हैं। सिंस इस वीडियो का आइडिया ही VLSI वर्सेस नॉन VLSI कोर्सेज है, तो मैंने कुछ टाइप की जॉब्स लिस्ट की हैं दोनों कैटेगरीज के बेसिस पे। पहला है VLSI जॉब्स। अगर आप VLSI डिज़ाइन फ्लो देखते हैं तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिकेशन स्टडी और फिर RTL कोडिंग। तो इस काम के लिए डिज़ाइन इंजीनियर्स आर देयर। डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर्स वेरीलॉग पे ही कोड लिखते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशंस, जबकि एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स का काम थोड़ा अलग होता है क्योंकि उधर डिज़ाइन में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। और वेरीलॉग का वेरीलॉग ए नेम से डिफरेंट वर्जन है जिसमें आप हाई लेवल बिहेवियर ऑफ एनालॉग सर्किट कोड कर सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर RTL स्टेज वेरीफिकेशन इंजीनियर्स आर देयर एंड ये लोग लिखे गए RTL कोड का वेरीफिकेशन करते हैं यूजिंग टेस्ट बेंचेस। मोस्टली सिस्टम वेरीलॉग और UVM का यूज होता है इधर, और वेरीफिकेशन इंजीनियर्स कोई भी इशू हो तो डिजाइन टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि लाइक यू नीड टू चेंज और मॉडिफाई डिजाइन, एंड इवेंचुअली इनका गोल होता है 100% कवरेज अचीव करना। तो इसी के साथ VLSI डिजाइन फ्लो आगे बढ़ता है और हर एक स्टेज लाइक सिंथेसिस, फिजिकल डिजाइन एंड डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी इंसर्शन, सो इन सभी काम के लिए एक पर्टिकुलर टीम और डिफरेंट स्किल्ड लोग होते हैं। इस बेसिस पे बहुत सारे जॉब टाइप्स और रोल्स निकल के आते हैं और इसीलिए VLSI इंजीनियर्स आर इन हाई डिमांड, क्योंकि दुनिया बदल रही है और हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ रहा है, और उसी के साथ इंजीनियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लगातार ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट पिछले से बेटर हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आज से कुछ साल पहले अंततु स्कोर 5 लाइक वाले प्रोसेसर की स्पीड कितनी तेज होती थी, पर अभी ये प्रोग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लेटेस्ट MediaTek और Qualcomm के प्रोसेस में 9 लाख तक की लिमिट पहुंच गई है। अगर टेक्नोलॉजी नोड हम लोग देखें तो हम लोग 12 नैनोमीटर से 10.85 होते हुए अभी 3 पहुंचने वाले हैं। तो व्हाट आई मीन, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। पर अभी बात यह है कि क्या सिर्फ VLSI स्किल्स ही काफ़ी हैं एक SoC डिज़ाइन के लिए या फिर बाकी डोमेन्स की भी नीड है। सो आंसर इज यस, सिर्फ VLSI स्किल से कभी भी इंटायर चिप नहीं बन सकती है। एक मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी IoT प्रोडक्ट बनाने के लिए कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक टाइप के इंजीनियर्स की नीड है। बिकॉज VLSI तो बस RTL कोडिंग से उसके टेप आउट तक का फ्लो गमन करता है, बट सपोज आप 5G की किसी लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको 3GPP स्पेसिफिकेशंस का कोई आइडिया नहीं है, तो एनी हाउ आप उसके लिए RTL कोड नहीं लिख पाएंगे। बट इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स एज वेल तो आप वही काम कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे मैंने कुछ और जॉब्स के नेम लिस्ट किए हैं, और इतने नेम्स तो बस एक छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स हैं। सो यू कैन सी वेरियस अदर डोमेन्स ऑन योर स्क्रीन। और ये सारे डोमेन्स में आपको अलग अलग टाइप की जॉब्स मिलेंगी, लेकिन बात इतनी कि अगर आपको VLSI के बेसिक्स आते हैं और प्लस ये डोमेन्स की नॉलेज है तो आप ऑब्वियसली एक ओनली VLSI इंजीनियर से बेटर ही निकलेंगे। लाइक अभी मेरा M.Tech VLSI में है, तो दैट डजेंट मीन कि मैं सिर्फ उन्हीं से हमेशा अपना काम चला लूँगा। आई ऑल्सो नीड टू लर्न कॉन्स्टेंटली न्यू थिंग्स। हर एक प्रोजेक्ट के साथ आपको आपके कम्फर्ट जोन से निकल के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा ही, और यही इस डोमेन का चैलेंज है कि आप सारी लाइफ सीखेंगे। तो my point is, एक VLSI इंजीनियर अगर वो फ्रंट एंड VLSI में है तो उसको कोर VLSI के अलावा कोर कम्युनिकेशन या फिर कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर कोई और कोर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड डोमेन के कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे। सो क्लियर नीड ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स इज देयर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स रिलेटेड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, RFID, सिग्नल प्रोसेसिंग, etc. आई लर्न सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू 5G कम्युनिकेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इवन आफ्टर माई कोर इज VLSI।
दैट्स वाई अगर कोई कम्युनिकेशन एमटेक का स्टूडेंट अपने कॉलेज टाइम पे एक्स्ट्रा मेहनत करता है वीएलएसआई और कम्युनिकेशन दोनों पे, यहाँ पे वीएलएसआई वो पे मेहनत वो जॉब के लिए करता है और कम्युनिकेशन अपनी एकेडमिक्स के लिए, सो उसे जॉब चाहे कोर वी कम्युनिकेशन में मिले या कोर वीएलएसआई में, वो दोनों को अच्छे से हैंडल करेगा क्योंकि उसे दोनों डोमेन्स की नॉलेज है। और अगर कोई वीएलएसआई का है तो उसे आगे जाके किसी ना किसी अदर स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसको बनाने के लिए आप काम करेंगे वो सिर्फ वीएलएसआई या सिर्फ कम्युनिकेशन की नॉलेज से नहीं बनने वाला है। सो अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप वीएलएसआई के साथ जाएं या फिर किसी अदर ब्रांच के साथ, आपको करना क्या है कि आपको जो भी सीट मिल रही है या मिल सकती है उसका कोर्स वर्क और उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या क्या इलेक्टिव्स पॉसिबल है वो सब देखने हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के, हर एक कॉलेज में पर्टिकुलर स्ट्रीम अलग अलग नेम से ऑफर की जाती है, पर हाँ अंदर के कोर्सेज सेम होते हैं। तो कुछ जनरलाइज सब्जेक्ट हैं जो कि मैंने एज ए एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन रिलेटेड ब्रांचेस में आप एडवांस डिजिटल कम्युनिकेशन, एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन, डीएसपी, एडवांस डीएसपी, मॉडेम, रडार, 5G एंड बियॉन्ड कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा ध्यान से इलेक्टिव लें तो हर एक कॉलेज में एक या दो कोर वीएलएसआई इलेक्टिव भी ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनेगी, तो फाइनली आप इस ब्रांच के साथ जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ज़्यादा है या फिर आपको गेट स्कोर की वजह से वीएलएसआई नहीं मिल पा रही है। तो जो भी पॉसिबल कोर्सेज हैं वो सब मैंने लिस्ट कर दिए हैं और ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं। और दूसरी ब्रांच आती है सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड एमटेक स्ट्रीम, सो इधर भी आप काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्सेज सच एज वायरलेस कम्युनिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ वीएलएसआई इलेक्टिव्स भी इधर भी पॉसिबल हैं और ये सारे भी काफ़ी ट्रेंडिंग हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जो कि आप इसमें मिल सकते हैं वो सारे आपकी स्क्रीन पर लिस्टेड हैं। और फिर इसके बाद आती हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्ट्रीम्स सच एज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, तो अगर आपको टॉप IITs मिल रही हैं इन ब्रांचेस को लेके एंड यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, सो यू कैन गो देयर क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। हालांकि पावर सिस्टम को लेके आई विल सजेस्ट कि अवॉइड करें, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम यू कैन कंसीडर। एंड हियर ऑल्सो यू हैव ऑप्शन ऑफ VLSI इलेक्टिव, सो एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। अगर टॉप IITs में ये ब्रांचेस और मिड NITs में VLSI मिल रही है तो आप अपने कोर के साथ ही जाएं, बिकॉज टॉप IITs में VLSI और कोर दोनों टाइप की कंपनीज आएंगी। ऑब्वियस है कि अगर आपको कोर पे जॉब मिल रही है तो आपको वो लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आपने अपना बीटेक उसी में किया हुआ है और साथ में एमटेक भी, तो जब भी आप उस पे काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा इलेक्टिव्स आप LSI रिलेटेड ले सकते हैं फॉर बैकअप एंड एक्स्ट्रा लर्निंग्स। और इन सब के अलावा वेरियस अदर ब्रांचेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, SPCOM, ETC आर देयर, और जो भी स्किल्स आपके पास हैं उससे रिलेटेड जॉब आपको मिल जाएगी, वरना VLSI कंपनीज एनी हाउ अलाउज एंटायर AEC डिपार्टमेंट टू सिट इन प्लेसमेंट। तो इलेक्टिव्स और वेरी लॉन्ग नॉलेज आपको हेल्प करेगी अगर आपके कोर्स से आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली आते हैं उन फैक्टर्स पे जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी एमटेक स्ट्रीम डिसाइड करने से पहले। तो सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट, लाइक अगर आपको कम्युनिकेशन ही बहुत पसंद है तो आप उसके साथ जाएं, क्योंकि उसमें आपको कम गेट स्कोर पे और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा और प्लस साथ साथ आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। गेट स्कोर पे आपके पर्टिकुलर गेट स्कोर पे आपको जो कुछ भी मिल सकता है वो सब कुछ आप एक कॉपी पे लिख लें और फिर कंपैरिजन करें कि इधर मैं ये सीखूंगा और इस कोर्स वर्क में मुझे ये सीखने को मिलेगा एंड ऑल दिस थिंग। इसीलिए आप कोर्स वर्क जरूर देखें, जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज की साइट पे जाके कोर्स वर्क देखें और पॉसिबल इलेक्टिव्स देखें, वहाँ के सीनियर से अगर हो सकती है तो बात करें और फिर सीट फ्रीज करें। साथ ही साथ अपनी पर्सनल कैपेसिटी और पर्सनल एटीट्यूड का भी ध्यान रखें कि आप दो चीज़ पढ़ सकते हैं या आपको एक ही चीज़ बहुत ढंग से पढ़नी है पहले और फिर आप बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड VLSI और एनी अदर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि आप VLSI लें या फिर कोई दूसरी ब्रांच में। और आप अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये सारे फैक्टर्स एक कॉपी पे नोट करें, प्रॉपर टाइम लें और सोचें कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप किस ब्रांच के साथ जा रहे हैं। और सजेशन इधर उधर से लीजिए, सब कीजिए, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन आपका होना चाहिए बिफोर फाइनल डिसीजन अबाउट ईच एंड एवरी आउटकम एंड देन डिसाइड। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।